apocalypse. हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है यश। आप देख रहे हैं क्रिएटिव इंडियन टीवी चैनल को। तो फ्रेंड, इससे पिछली वीडियो में मैंने इस वाली ड्रिल मशीन की अनबॉक्सिंग की थी। तो फ्रेंड, ये सिंपल ड्रिल मशीन है और इसमें बस एक ही तरफ घूमती है। तो इसको मैं आज दोनों साइड घुमाने वाली बना दूंगा, जिससे कि आप स्क्रू को टाइट भी कर सकते हो और ढीला भी कर सकते हो, जैसे कि आपने वीडियो के शुरू में देख ही लिया होगा। तो इसके लिए यहाँ पे मैं 6 पिन वाला ये स्विच ले रहा हूँ। ये आपको इन्वेटर की शॉप पर मिल जाएगा, 20 से 30 रुपये का आपको ईजिली मिल जाएगा। तो इसमें जो 6 पिन है, इनको जो इनके बीच में क्रॉस का निशान बना लेना है, और ये ग्रीन वाले वायर आप देख रहे हो इस तरह से, और 2 बीच में लगा लेने हैं वायर। तो अब फ्रेंड, मैं इसको खोल लेता हूँ स्क्रू ड्राइवर की सहायता से। तो फ्रेंड, अब मैं इसको खोलने के बाद इस तरह से इसको निकाल लूँगा। उसके बाद इसका जो लॉक वाला बटन है, इसको इस तरह से हम नीचे कर देंगे। तो फ्रेंड, इसमें जो हमारे 2 बुश के वायर होते हैं, खाली हमको उनको यहाँ पे कट करके इसमें फिट करना है। और जो हमारे ये कनेक्शन वाले वायर आप देख रहे हो, जो 220 वोल्ट से हमारे जा रहे हैं कुंडली में, उनको हमें बिल्कुल भी यहाँ पे नहीं छूना है। तो उनको ऐसे ही लगा रहने देना है। उसके बाद आप फ्रेंड देख सकते हो, यहाँ पे हमारे जो बुश वाले वायर हैं, इनको हमें इस तरह से लगा लेना है। अब इसको मैं यहाँ पे कट कर लेता हूँ सीजर के द्वारा, आप भी इसी तरह से कट कर लेना। उसके बाद फ्रेंड मैं इनको इनके वायर निकाल देता हूँ। अब फ्रेंड, ये वाले जो वायर हैं, इनमें मैं ये जो ब्लैक वाले वायर हैं, ये हमने बीच के 2 जो पॉइंट है उन पर मैंने सोल्डिंग कर दिए थे, तो इनसे मैं इनको कनेक्ट कर दूंगा। फ्रेंड, उसके बाद मैं इन दोनों को इसी तरह से कनेक्ट कर दूंगा और इन पर अच्छी तरह से टेपिंग कर लूँगा, जिससे कि हमारे शॉर्ट सर्किट ना हो। तो फ्रेंड, इसकी सहायता से आप स्क्रू को ढीला और टाइट कर सकते हो, जैसा कि आपने वीडियो के शुरू में देख ही लिया होगा। और इसकी अभी तक आपने अनबॉक्सिंग नहीं देखी है, तो आप इसको अनबॉक्सिंग की भी वीडियो भी मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा और आई बटन में भी दे दूंगा, तो आप उसको भी जा करके देख सकते हो। अब फ्रेंड, यहाँ पर जो बुश के वायर थे कॉपर के, जो हमारी प्लेट टाइप की रहती हैं, उनको मैंने इन वाले वायरों पर सोल्डिंग कर दिया है। उसके बाद जैसे हमारे बुश फिट थे पहले, इनमें कोई सा वायर भी आप किधर भी लगा सकते हो, इसमें कोई हमारा प्लस माइनस नहीं होता 220 वोल्ट में। तो आपको इसी तरह से इनको लगा देना, कोई सा भी किधर ये लगा देना, जो हमने ग्रीन वायर लगाए थे स्विच के। अब फ्रेंड देख सकते हो, अगर आपकी फिर भी समझ में ना आए कनेक्शन, तो आप मुझसे कमेंट कर देना, मैं आपको रिप्लाई ज़रूर दूंगा। तो फ्रेंड, अब देख सकते हो इसका जो हमारा प्लास्टिक का जो टापा है, उसको मैं इसी तरह से फिर बंद कर दूंगा जैसे हमने खोला था। तो स्क्रू को मैं अच्छी तरह टाइट कर दूंगा। उसके बाद फ्रेंड, हम सारे स्क्रू को इसी तरह टाइट कर देंगे अच्छी तरह से। अब फ्रेंड देख सकते हो, यहाँ पर मैंने इसको टेपिंग से रैप कर दिया, वो चिपका दिया है। तो फ्रेंड, आप वायर को थोड़ा लंबा रखना, जिससे कि आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर सको। यहाँ पर मेरे थोड़े वायर छोटे रह गए थे, तो इसलिए मैंने यहाँ पर इसको इसी जगह पर चिपका दिया स्टैंड व्हील की सहायता, और ऊपर से टेप लगा दी, जिससे कि हमारे जो हाथ पर करंट ना लगे। अब फ्रेंड, यहाँ पर जो 220 वोल्ट से मैं इसको चलाऊँगा, इसका प्लग मैंने लगा दिया है यहाँ पर बिजली में। अब फ्रेंड देख सकते हो, ये हमारी दोनों साइड को रोटेशन करती है। सबसे पहले इधर देख सकते हो। अब फ्रेंड, मैं इसके स्विच को इधर चेंज कर दूँगा, उसके बाद आप देख सकते हो हमारी उल्टी साइड से घूम रही है। तो इस तरह से आपको पता नहीं चलेगा। अब मैं इसको स्क्रू को आपको टाइट करके दिखा देता हूँ। तो जिक्सा पेज है या बहुत ही हैवी पेज है, जिसके अंदर कस दूँगा। देख सकते हो फ्रेंड, इसने कितनी ईजिली इसको कस दिया है। इसमें मैंने कोई होल भी नहीं किया है। फ्रेंड, आप खुद ही जानते हो कि लकड़ी कितनी हमारी मजबूत होती है, उसके अंदर डायरेक्टली मैंने होल भी कर दिया है, मतलब कस दिया है, और उसके बाद इसको निकाल भी दिया। तो फ्रेंड, आप इसको इसी तरह से बना सकते हो। अगर आप प्रोफेशनल ड्रिल मशीन लाते हो, तो वो बहुत ही महंगी मिलती है, तो इसी तरह से आप भी बना सकते हो अपनी सिंपल ड्रिल मशीन को। तो आज के लिए फ्रेंड इतना ही, फिर मिलेंगे नई वीडियो।